गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल लाइफ की क्लब से बात कर रही है आरती नेगी। तो गाइस आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जो स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्थी भी है, क्योंकि ये है ढोकला जो मैंने बनाया है दलिया से। जी हाँ, दलिया का ढोकला। तो गाइस सबसे पहले ले लेंगे दलिया, जितना भी आपने दलिया बनाना है उतना दलिया ले लेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी दलिया लिया है और इसे मैं अच्छे से वॉश करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी। अब मैं लूंगी उसी के आधी कटोरी रवा। अगर आपने एक कटोरी दलिया लिया तो आधी कटोरी आप रवा लेंगे। यहाँ लिया है मैंने एक कटोरी दही, जो खट्टी दही है। अब इसमें डाल दूंगी मैं आधी चम्मच सॉल्ट और 1/4 स्पून हल्दी डालूंगी मैं यहाँ पे, और यह है अदरक और मिर्च का पेस्ट। इन सबको कर लेना आपने अच्छे से ग्राइंड, और अब इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे और इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। गाइस जिसमें बनाना है आपको ढोकला उसको ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ मैंने किया है बर्तन ढोकला बनाने के, जिसे मैंने अच्छे से ग्रीस किया है, और जिसमें मैंने ढोकला बनाना है उस बर्तन को भी मैं हीट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर कर लिया है हीट, जिसमें मैंने 2 कप पानी डाला है और उसे मैं स्टीम करने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक वो स्टीम होता है तब तक हम अपना ढोकला देख लेते हैं कि क्या तैयार हुआ या नहीं। अब हो चुके हैं 20 मिनट, तो यहाँ पे ढोकला हो चुका है अच्छा ठीक। तो मैंने उसमें डाला है बेकिंग पाउडर और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी, और अगर इसमें गुंजाइश है थोड़ा पानी डालने की तो हम डालेंगे, नहीं तो ये मेरा पेस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद करूँगी उस कंटेनर में शिफ्ट जिसमें ढोकला करना है तैयार। उसे अच्छे से शिफ्ट करके मैं इसे अपने स्टीमर में चढ़ा दूंगी। तो मुझे इसमें 45 मिनट लगेंगे पकने में, इसको अच्छे से पकने में, और उसको मैं स्टीमर में चढ़ाकर अपने प्रेशर कुकर की मैंने विशल जो होती है, जिससे विशल आती है, उसको सीटी को निकाल देना है और 45 मिनट तक इसको पकने देना है मीडियम फ्लेम में। तो आफ्टर 45 मिनट मेरा ढोकला हो चुका तैयार। तो इसको अच्छे से ठंडा करेंगे, उसके बाद इसकी किनारी निकालेंगे, उसके बाद इसको पलटेंगे। गाइस इसमें बात यह है कि इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका ढोकला टूट जाएगा। जब ढोकला अच्छे से ठंडा होगा उसके बाद इसको हम निकालेंगे प्लेट में। तो गाइस ये हो चुका है हमारा ढोकला तैयार। तो अब हम इसको प्लेट में पलट लेंगे और अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। तो ये स्वादिष्ट के साथ साथ एक हेल्थी ढोकला भी है, क्योंकि ये बनाया है मैंने दलिया से। तो इसकी मैंने स्क्वायर कटिंग की है, तो आप जिस तरीके से कटिंग करना चाहते हैं उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये, बहुत ईजी इसकी कटिंग हो जाती है। देखिए इतना स्पंजी, इतना सॉफ्ट बना है ढोकला। और अब मैं इसमें डालूंगी तड़का। तो तड़के की रेसिपी अगर आपको मेरी देखनी है तो जो मैंने बेसन का ढोकला बनाया था पहले, उसमें आपको मेरी तड़के की रेसिपी मिल जाएगी। आप उसको भी देख सकते हैं, वो बेसन का ढोकला बनाया था, वो भी बहुत स्वादिष्ट बना था। और ये है दलिया का ढोकला, तो तड़का इजीली तैयार कर सकते हैं। तेल गरम करना है, उसमें राई के दाने डालने हैं, करी लीव डालनी है और हरी मिर्च डाल के हमें तड़का तैयार करना है। तो इस तरीके से हम इजी से तड़का तैयार कर सकते हैं। तो ये बन चुका है मेरा हेल्थी स्वादिष्ट ढोकला जो मैंने बनाया है दलिया का। तो गाइस इसको इंजॉय कीजिए, इसको खाइए मेरे साथ। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही हेल्थी और बहुत ही पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ढोकला आपको कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए अगर आप मेरे नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं। और गाइज मिलती हूँ मैं एक आपके साथ न्यू और हेल्थी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।